हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल साइन अप आर्ट में स्वागत है। आज मैं क्रोचेट से एक राखी की डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा है। ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाई वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कलर का ऊन लिया है। इन दोनों कलर में से किसी एक कलर से मैं स्टार्ट करूँगी। तो पहले हमें क्या चाहिए, एक मैजिक रिंग बना लेनी है जो कि मैंने बना लिया है। मैजिक रिंग बनाने की वीडियो मैंने अपने चैनल में एक डाल के रखी है, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब हमें क्या करनी है, इस मैजिक रिंग के अंदर से 5 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये 5। अब हम इसको खींच के थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब एक चेन बना लेंगे, अब इसको टर्न करेंगे। अब ये जो हमने एक एक सिंगल क्रोशर बनाई है इसके ऊपर हमें फिर से इस वाले राउंड में एक एक सिंगल क्रोशर बनाते जाना है। अब एक चेन बना लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, एक एक स्टिचेस में हमें दो दो सिंगल क्रोशर बनानी है। एक जो हमने चेन दिया एक को हम एक सिंगल क्रोशर काउंट करेंगे इस वाले चेन को, और इसी हुक में हमें एक सिंगल क्रोशर बनानी है। तो ये हो गया हमारा 2। तो ऐसा करके हमें ये पूरा जो हमने सिंगल क्रोशर बनाए थे इस राउंड में हमें 2 करके सिंगल क्रोशर बनानी है हर हुक में। एक चेन बना के इसको हम कट कर देंगे। अब हम दूसरा कलर लेंगे। इस साइड जैसे हमने बनाया था इस कलर से हमें सेम तरीके से यहाँ बनानी है। हमें फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5। एक चेन हम इस वाले सर्कल को खींच के छोटा कर देंगे। अब हम इस साइड में जैसे हमने बनाया था एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं इसको बना लूँगी। तो मैं ये पूरा बना के आ रही हूँ। तो देखिए मैंने इस साइड भी बना लिया। अब मैं एक चेन बना के इसको कट कर दूँगी। अब हमें ये जो साइड का है ये बनानी है, तो इसके लिए मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब ये वाला जो घर है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशर बनानी है। ये हो गया 1। इसके नेक्स्ट वाला ये वाला जो घर है इसमें भी हमें बनानी है एक सिंगल क्रोशर। अब ये जो ऊपर का हमारा 2-2 करके सिंगल क्रोशर था इसके हर एक स्टिचेस में हमें पफ स्टिच बनानी है। इसके बाद हम लेंगे 2 चेन। अब 2 चेन लेने के बाद इस वाले घर में हमें 3 लोफ की एक एक पफ स्टिच बनानी है। ये हो गया 2 और ये 3। ये हो गया 1 चेन ये 2 चेन। इसके नेक्स्ट वाले घर में भी हमें सेम तरीके से बनानी है। One, two,
ये दो चेन। तो ऐसा करके हर स्टिचेज में मुझे ऐसा बनानी है, तो मैं ये इतना तक बना के आ रही हूँ। तो देखिए मैंने इतना तक बना लिया। इसके बाद वापस से हमें दो चेन बनानी है। अब मैं क्या करूँगी, पहले जैसे यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाया था, इसको मैंने यहाँ पे छुपा दूँगी। अब मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। इसके नेक्स्ट वाले घर में भी एक सिंगल क्रोशेट बनानी है। अब क्या करनी है, अब हमें इस वाले पोर्शन में भी सिंगल क्रोशेट बनानी है। ये हो गया एक सिंगल क्रोशेट। इसके नेक्स्ट वाले घर में भी एक सिंगल क्रोशेट, फिर दो चेन। अब हर स्टिचेस में हमें एक एक करके पहले की तरह पफ स्टिच बनानी है। फिर दो चेन। तो ऐसा करके मैं ये पूरा स्टिच कंप्लीट करके आ रही हूँ। तो देखिए मैंने पूरा बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो दो हुक है इसमें मैं सिंगल क्रोशेट बना लूँगी एक एक। अब सेंटर में से एक सिंगल क्रोशेट बना के मैं इसको कट कर दूँगी। एक चेन बना दिया। हम लास्ट में इसको एडजस्ट करेंगे। अब हम ये बनाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक नॉट बना लूँगी, फिर बनानी है दो चेन। ये जो फर्स्ट चेन है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशेट बनानी है। अब इसको हम टर्न करेंगे। ये वाला जो हुक है इसमें से हमें एक सिंगल क्रोशेट बनानी है। अब हम वापस टर्न करेंगे, यहाँ पे हमें दो धागा मिलेगा। हर दो धागे में हमें क्रोशर को डाल के सिंगल क्रोशर बना लेनी है। तो ऐसा करके हमारा डिज़ाइन ऐसा दिखेगा। तो ऐसा करके हमें जितना तक लेंथ चाहिए मैं उतना तक बना के आ रही हूँ। तो देखिए मैंने इतना तक बना लिया। अब मैं इसको एक चेन बना के कट कर लूँगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें मैंने छोटे छोटे ये लगा के स्टिच कर दिया है धागे की मदद से। इसमें मैं ये जो पेस्टिंग का फ्लावर होते हैं ना, तो मैं ये यहाँ इसमें लगाऊंगी। तो देखिए मैंने इसको ऐसे डेकोर किया है, इसको अलग तरीके से किया। आप लोग अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद है आप वैसे डेकोर कर सकते हो इसको। अब मैं इसको स्टिच कर दूंगी इसके पीछे, यहाँ और यहाँ सुई की मदद से इसको स्टिच कर दूंगी। तो मैं स्टिच करके आपको कंप्लीट इसका लुक दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। तो देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया।
मैंने इस वाले में यहाँ पे दोनों साइड में पॉम पॉम लगाया है, इसमें नहीं लगाया। आप लोग चाहे तो लगा सकते हो या फिर ऐसे ही सिंपल रख सकते हो, तो आप अपने हिसाब से इसको डेकोर कर लेना। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी बनी। थैंक यू।